नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज जो हम लोग नीट 2018 के सेकंड काउंसलिंग के जो रिजल्ट्स हैं, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के रिजल्ट्स हैं, जिसको पेंडिंग रखा हुआ है, मद्रास हाई कोर्ट ने जो केस लड़ा है कि उनके तमिल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को बहुत लॉस हुआ है, तो जो केस है पहले हाई कोर्ट में हो रहा था, अब जो है सुप्रीम कोर्ट तक चले गया है। CBSE सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। वो ये बोल के जा चुकी है कि मतलब आप लोग का जो नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था क्लियरली कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज को ही फाइनल लिया जाएगा, अगर आप लोग का जो दूसरा सेलेक्टेड लैंग्वेज में कोई गलती है तो आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा होगा वही फाइनल आप लोग का ट्रीट किया जाएगा। तो उस रीज़न से जो है CBSE जो है अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुकी है, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। तो इसके लिए आप लोग का एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो ये, बस सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये बता दूं कि जो स्टेट काउंसलिंग्स हो रहे हैं उसके सेकंड राउंड आपका यूपी का चालू हो गया है। तो स्टेट राउंड्स में आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, स्टेट राउंड्स अपने जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन जो ये ओवरऑल AIQ का ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग होता है उसमें आप लोग का जो है स्टे लग गया है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का आज का क्या हुआ। आज जो रिज़ल्ट है, आज सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बताया है कि अगर तमिलनाडु के तमिल स्टूडेंट्स को अगर इसे मार्क्स दे दिया जाए 196 मार्क्स, तो ये उनके लिए बहुत गलत हो जाएगा जो कि बहुत मेहनत करके जो 196 मार्क्स लाए हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको तमिल लैंग्वेज में सही भी दे दिया जाता तो क्या वो 196 ला लेते हैं। क्योंकि 196 को मैं 196 लाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो जितना भी बोनस दीजिए लेकिन एक लिमिट में दीजिए। बोनस देना है तो आप लोग 196 का कुछ परसेंट दे सकते हैं सोच समझ के, या तो फिर तो आपको आपको कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। तो इसके लिए जो है CBSE और मद्रास हाई कोर्ट ये दोनों को सुप्रीम कोर्ट जो है 2 हफ्ते का वक्त दिया है, 2 हफ्ते का जो है स्टे लिया है। अभी 2 हफ्ते बाद ही जो होगा आप लोग का ऑर्डर आएगा। तो आप लोग को बता दूं कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी अगले 2 हफ्ते तक तो आएंगे नहीं, उसके 1-2 हफ्ते तक भी नहीं आएंगे। तो आप लोग का गारंटी है कि जो 1 महीना है आप लोग का ये 1 महीने में तो कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये आप लोग अभी वेट कर रहे होंगे कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है तो मैं क्यों पढ़ूं और आगे की, और मेरा एग्ज़ाम अच्छा आ चुका है तो मैं अभी ज्वाइन होने की तैयारी करता हूँ। वो बात अलग है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया है गंदा गया, लेकिन नॉलेज बटोरते रहो, क्योंकि फरवरी का जो नीट है वो बहुत ही पास आ चुका है। 6 महीने मुश्किल से बचे हुए हैं आपके पास, तो उसके लिए आप लोग रिवाइज़ करते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। और जो भी अपडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और ये CBSE और हाई कोर्ट के जो भी अपडेट्स हैं वो मेरे चैनल में आप लोग के लिए आते ही रहेंगे। और जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो हर स्टेट के चल रहे हैं। AIQ के जो कोटा है ऑल इंडिया कोटा, उसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए जो है स्टे लगा हुआ है। सो आप लोग को सारे अपडेट्स आप लोग हमारे चैनल में मिलते रहेंगे ताकि आप लोग को कोई भी चीज़ मिस नहीं हो। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया नीचे का तो उसको सबसे पहले दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो सारे के सारे न्यूज़ और अपडेट्स आपके होम पेज में आ जाएंगे जैसे आप लोग यूट्यूब खोलेंगे, तो ताकि आप लोग को हर न्यूज़ हर टाइम पर राइट टाइम पे मिल जाए। और जितना हो सके इसे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स अवेयर रहें कि उनके रिजल्ट्स जो हैं अभी फिलहाल में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए वेट करके अपना वक्त ज़ाया ना करें, वक्त वेस्ट ना करें। तो सो जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।